नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी सीट से करीब 1,00,000 मतों से जीत गए हैं। 18 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। इससे पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,02,399 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। भाजपा के संगीत सोम हार गए। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए। बड़ौत से भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद बवाल और पथराव हो गया। उग्र भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी में कई बड़े दिग्गज धराशायी हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम ओपी सोनी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तक के नाम शामिल हैं। कुमाऊं की लालकुआं सीट से चुनाव लड़े पूर्व सीएम हरीश रावत हार गए हैं। यहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है। यहां हुए मुकाबले में हरीश रावत करीब 14,000 वोटों से हार गए। घाटी में सुरक्षा बलों ने दो जगहों पर ऑपरेशन चलाया। इसमें 3 आतंकी मारे गए। पहली मुठभेड़ पुलवामा के नैना बटपोरा में हुई। इस दौरान 2 आतंकी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान दोपहर बाद तक जारी रहा। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत विधानसभा सीट को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। रालोद कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान मौके पर जमकर पथराव हो गया है। वहीं पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को दौड़ा दिया, लेकिन इसके बाद मामला और बढ़ गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है कि उनके गृह जनपद लखीमपुर खीरी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने दोबारा कब्जा कर लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जिले की सभी सीटों पर भाजपा की जीत से उनका न सिर्फ कद बढ़ेगा बल्कि पद भी बढ़ेगा। भाजपा से सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया था और कहा था कि बीजेपी को इस बार प्रदेश में करारी हार मिलने वाली है। गुरुवार को देश के 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बीच शेयर बाजार में दिन भर बाहर रही। बाजार के दोनों इंडेक्स हरे निशान पर खुले और कारोबार के अंत में बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 817 अंकों की उछाल भरते हुए 55,464 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 249 अंकों की तेजी के साथ 16,595 के स्तर पर बंद हुआ। प्रभास की फिल्म राधे श्याम की गिनती बॉलीवुड की महंगी फिल्मों में की जा रही है। ऐसे में सबकी नजर इस फिल्म के कलेक्शन पर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने हैदराबाद में 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।